मैं हूं डॉक्टर सर्वेज अंसारी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाइल्स आयुर्वेदा। हमारी टैगलाइन है रिमूव पाइल्स फ्रॉम लाइफ। मैं वर्ष 2011 से मलद्वार के रोगों से बचाव, रोकथाम व इलाज के लिए अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूं। आज हम बात करते हैं लो एनल फिस्चुला और हाई एनल फिस्चुला में डिफरेंस के बारे में। लो एनल फिस्चुला क्या है और हाई एनल फिस्चुला क्या है, ये जानने से पहले आइए पहले मलद्वार की थोड़ी एनाटॉमी को देख लेते हैं। ये देखिए, ये एनल कैनाल है। एनल कैनाल की लेंथ लगभग 4 सेंटीमीटर इन फीमेल्स एंड 4.4 सेंटीमीटर इन मेल्स में होती है। ये जो पिवोरेटलिस मसल्स होती है, यहीं पर एनोरेटल रिंग बनता है। पिवोरेटलिस मसल से ऊपर का एरिया रेटम होता है। तो जहां पर एनल कैनाल और रेटम का बॉर्डर बनता है, ठीक उसी जगह पर पिवोरेटलिस मसल्स एक रिंग बनाती है, जिसको एनोरेटल रिंग नाम से जाना जाता है। ये मलद्वार की म्यूकोसा स्किन है। इसके बाहर की तरफ ये इंटरनल स्फिंक्टर होता है, उसके बाद एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है, और इन दोनों स्फिंक्टर्स के बीच में यहाँ पर इंटर स्फिंक्टरिक स्पेस होता है। एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर की साइड में जो स्पेस होता है, उसको इस्चियोरेक्टल फोसा और उसके नीचे इस्चियोएनल फोसा उसको बोलते हैं। लाइनिंग ऑफ एपिथीलियम के आधार पर एनल कैनाल को तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, अपर जोन, मिडल जोन और लोअर कुटेनियस जोन। अपर जोन ऑफ एनल कैनाल एनोरेटल रिंग से डेंटेट लाइन तक रहता है। उसके नीचे है मिडल जोन, ये डेंटेट लाइन से वाइट लाइन ऑफ हिल्टन तक रहता है, और उसके नीचे होता है लोअर कुटेनियस जोन। एनाटॉमी हमने देख ली, अब लो एनल फिस्चुला की बात करते हैं। तो जो लो एनल फिस्चुला जो होता है, उसकी ट्रैक एनल वर्ज के नजदीक होती है। लो एनल फिस्चुला की एक्सटर्नल ओपनिंग भी एनल वर्ज के नजदीक होती है, और इंटरनल ओपनिंग ज्यादातर या तो डेंटेट लाइन पर होती है या फिर उससे नीचे होती है। जैसे कि सबकुटेनियस फिस्चुला इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जिसमें स्फिंक्टर की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सबकुटेनियस फिस्चुला की एक्सटर्नल ओपनिंग देखिए एनल वर्ज के काफी नजदीक है, और इंटरनल ओपनिंग जो है वो मिडल जोन ऑफ एनल कैनाल में खुलती है। मिडल जोन ऑफ एनल कैनाल मैंने अभी बताया था कि डेंटेट लाइन से इंटरस्फिंक्टरिक ग्रूव तक, वाइट लाइन ऑफ हिल्टन तक वो रहता है। सबकुटेनियस फिस्चुला का एक और उदाहरण हम देखते हैं। ये देखिए, इस केस में फिस्चुला के ट्रैक ने किसी भी स्फिंक्टर को इन्वॉल्व नहीं किया है। इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग भी एनल वर्ज के नजदीक है, और इंटरनल ओपनिंग डेंटेट लाइन पर है। तो इस तरह के फिस्चुला एनल कैनाल की म्यूकस मेम्ब्रेन से सटे होते, मिले होते। जब इन मरीजों को चेक किया जाता है, तो एक्सटर्नल ओपनिंग भी दिखती है, और ट्रैक भी अच्छे से इंडेक्स फिंगर द्वारा सर्जन महसूस कर सकता है, और इंटरनल ओपनिंग भी साफ साफ प्रोक्टोस्कोप में मिल जाती है। और ऑपरेट के टाइम पर जब इनमें डाई डाली जाती है, तो थोड़ी सी डाई फिस्चुला ट्रैक में इंजेक्ट करते ही सर्जन के चेहरे पे खुशी आ जाती है। अब बात करते हैं लो इंटरस्फिंक्टरिक फिस्चुला की। ऐसे केस में फिस्चुला ट्रैक थोड़ा बड़ा हो जाता है, और इंटरनल स्फिंक्टर की इन्वॉल्वमेंट भी थोड़ी हो जाती है। इसके अलावा है लो ट्रांस स्फिंक्टरिक फिस्चुला। इसमें फिस्चुला ट्रैक और भी लंबा हो जाता है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर की थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, और इंटरनल स्फिंक्टर की 50% से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो इस तरह से सबकुटेनियस फिस्चुला, लो इंटरस्फिंक्टरिक फिस्चुला और लो ट्रांसस्फिंक्टरिक फिस्चुला को हम लो एनल फिस्चुला की कैटेगरी में रखते हैं। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि लो एनल फिस्चुला में इंटरनल स्फिंक्टर या एक्सटर्नल स्फिंक्टर की इन्वॉल्वमेंट या तो नहीं है या फिर बहुत कम है। ये लो एनल फिस्चुला इजी टू ट्रीट होते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हाई एनल फिस्चुलाज की। हाई एनल फिस्चुलाज में ट्रैक की साइज और भी ज्यादा लंबी हो जाती है, साथ ही
इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर की इन्वॉल्वमेंट भी और ज्यादा बढ़ जाती है और इनकंटिनेंस ऑफ फिकल मटेरियल के चांस भी सबसे ज्यादा हाइनल फिस्टुलाज में ही होते हैं। सबसे पहले हाई इंटरस्फिंक्टरिक फिस्टुला की बात करते हैं। इसमें इंटरनल स्फिंक्टर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद है ट्रांस स्फिंक्टरिक फिस्टुला। इसमें इंटरनल स्फिंक्टर की इन्वॉल्वमेंट तो रहती ही है, साथ ही एक्सटर्नल स्फिंक्टर की इन्वॉल्वमेंट भी काफी होती है। या बात करें सुप्रास्फिंक्टरिक फिस्टुला, जिसमें दोनों ही स्फिंक्टर की इन्वॉल्वमेंट 100% रहती है। इंटरनल ओपनिंग डेंटेट लाइन पर है और फिर भी प्यूबोरेक्टलिस मसल्स को दो बार क्रॉस करते हुए इस्चियो रेक्टल फोसा और इस्चियो एनल फोसा से होते हुए बाहर स्किन पर आकर खुलता है। इसके बाद है एक्स्ट्रा स्फिंक्टरिक फिस्टुला। इसकी इंटरनल ओपनिंग रेक्टम में होती है। तो फ्रेंड्स, हाइनल फिस्टुलाज में स्फिंक्टर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। हाइनल फिस्टुलाज में ही इनकंटिनेंस के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। यह मरीज कहेगा कि दो बार ऑपरेट करा चुका या तीन बार ऑपरेट करा चुका, ठीक नहीं हुआ, तो वो सभी केस हाइनल फिस्टुलाज के केस होते हैं। फ्रेंड्स, इन्हीं हाइनल फिस्टुलाज को क्षारसूत्र की चिकित्सा से ठीक किया जाता है। आज पूरी दुनिया में क्षारसूत्र का लोहा इसी बात से लोग मानते हैं कि मरीज के स्फिंक्टर को नुकसान पहुंचाए बिना धीरे धीरे क्षारसूत्र स्फिंक्टर की कटिंग करता है और साथ साथ उनको हील भी करता जाता है। दुनिया के किसी भी देश में इस तरह की ट्रेडिशनल चिकित्सा पद्धति विकसित नहीं हुई है जैसे कि हमारे देश में क्षारसूत्र की ये चिकित्सा पद्धति विकसित हुई है और भगंदर के मरीजों के लिए वरदान साबित हुई है। अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।